कोणिया केनगर थाना क्षेत्र के गढ़िया बलुआ पंचायत स्थित वार्ड पंचायत में अवस्थित एक तालाब के किनारे से पुलिस ने मंगलवार को 16 किलो वजन का एक मूर्ति बरामद किया है। मूर्ति अष्ट धातु की है या नहीं, इसकी जांच फिलहाल चल रही है। माना जा रहा है कि छठ को लेकर तालाब की हुई साफ सफाई के दौरान यह मूर्ति गाद के साथ बाहर निकली है और बाद में लोगों की नजर इस पर पड़ी है। वार्ड पंचायत के वार्ड सदस्य पति हरि पासवान की नजर सर्वप्रथम इस मूर्ति पर पड़ी और उसने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही केनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस इस बाबत विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस इस बात की जानकारी भी जुटा रही है कि आसपास किसी मंदिर में हाल में प्रतिमा चोरी तो नहीं हुई है। अब तक इस मूर्ति के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने मूर्ति की जांच के लिए विशेषज्ञों की टीम को बुलाया है ताकि मूर्ति अष्ट धातु या किसी अन्य की है इस बात की जानकारी मिल सके। नेपाल के सीमावर्ती जिला कोणिया होने के कारण अक्सर यहाँ राज्य के कई हिस्सों से चोरी की गई है, कीमतें की मूर्ति बरामद होती है। ग्रामीणों की सूचना पर थाना क्षेत्र के गढ़िया बलुआ वार्ड 5 में तालाब किनारे यह मूर्ति बरामद हुई है। लगभग 1.5 फीट ऊंचाई की यह मूर्ति भगवान विष्णु की है। मूर्ति के पीछे खरोचा हुआ है। संभावना है कि मूर्ति चोरों द्वारा इसकी जांच कराने के बाद इसे बेश कीमती न मानते हुए तालाब में फेंक दिया गया। वैसे जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। कानूनी संघ न्यूज के लिए पूर्णिया से ब्यूरो रिपोर्ट।